गढ़बू नवा छत्तीसगढ़। तो मैं अभी खड़े हूँ हमारे रायपुर के नवा बस स्टेशन में, ठीक है, जो कि भाटा गांव में पड़ते। जैसे कि आप देखा तो कि मुलायम अभी टाइम हो गई से शाम हो गए, तो अभी 5:15 होने वाला है। और जैसे देखा तो यहाँ पे स्टेशन के लाइट वाइट सब चालू हो, धीरे धीरे कायन घेरा होने वाला भी, तो लाइटिंग यहाँ पे चालू हो जी। बाकी कोई बात नहीं, स्टेशन भी लाइटिंग जैसे चकाचक दिखी तो आओ बस स्टेशन लग घूमते। अभी जो बस निकला थे पंडरिया पाड़ा तरी मुंगेली के लिए निकला बस है। इसलिए देखा तो कि आटा गांव में जो नया बस स्टेशन बने हैं अंतर्राज्यीय बस स्टेशन, हमें कहाँ का फैसिलिटीज़ है यात्री मंबर, वो सब ला मैं वीडियो में दिखाऊँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो चलता हूँ। बस स्टेशन है, काफ़ी बढ़िया बना है। वो सामने इसके पार्क बना है जो कि अभी अच्छे से बना नहीं है, बहुत सारा बनना अभी बाकी है। फिर जो सामने दिखाई दे रहा है, और इधर से आप काठीडी जाओगे, और ये जो राइट साइड जो आप रोड देख रहे हो उधर से आप तेलगानी नाका से होते हुए अगर आना चाहोगे तो इस रूट से आप आओगे, ठीक है। तो मेन रोड में जो हवा है शंकर भगवान के मंदिर हवा है, वहाँ भजन चलते हैं। जस्ट स्टेशन के सामने ही पड़ी है रोड के ऊपर, ऑटो स्टैंड की सुविधा भी दे पार्किंग के। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे अगर कोई रायपुर आते कोई दूसरा जगह से, तो अगर अपन आस पास के कोई इलाका में जाना है तो ऑटो सुविधा हवा यहाँ पे। स्टेशन से ही लगे हुए यातायात थाना, तो ये चीज़ बढ़िया है कि कोई भी दिक्कत हुई यातायात से संबंधित कोई यात्री ला तो यहाँ पे थाना भी पुलिस थाना, और एक तरफ खड़े हैं बस। तो यहाँ पे लगे डिलक्स बस मन, देख सकते हो सुपर फास्ट बस है नारायणपुर जाने वाला, दोनों बस सुपर फास्ट। और ये सीतापुर अंबिकापुर जाने वाला बस है जो वाइट वाला जो बस है, ठीक है। और देखो एसी स्लीपर पूरी भुवनेश्वर भाई। हाँ भैया, अपन ब्लॉगिंग कर रहे हैं नया रायपुर बस स्टेशन का। तो ये आपका बस है ना? हाँ। तो क्या टिकट रखते हो? मतलब स्लीपर का 1000 रुपया, बैठने का 800 रुपये। बैठने का 800 रुपये, कहाँ तक जाएगी बस? गाड़ी जाएगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तक पूरी? लो बढ़िया। क्या क्या फैसिलिटीज है बस में? सब फैसिलिटी सब। और यहाँ जैसे आपको बस स्टेशन कैसा लगा यहाँ का? अच्छा है। अच्छा है, मतलब बोचड़ खाना से ही अच्छा है। मतलब काफ़ी बढ़िया जगह मिला आपको, है ना? हाँ। चलो ठीक है। तो अभी अभी एक जने भैया जी मिले थे जो अपने बस के बारे में बताया हमें, और भी बहुत सारे बस यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए कोंटा सुकमा जगदलपुर जाने वाली, और ये दुर्ग भिलाई के लिए बस लगी है। और यहाँ पे बराबर नंबर भी दिया गया है कि हर एक बस तो जो भी नंबर होगा वो अपने स्टैंड में आके खड़ा रहेगा। देखिए बस नंबर 44, 43 ये वाली बस है, डाल्टनगंज कड़वा मोड़ गढ़वा अंबिकापुर जाएगी वाली बस। बगीचा अंबिकापुर बिलासपुर वाली बस यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है सी स्लीपर वाली नागपुर रायपुर बस। तो जितनी भी बस आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी बस है, एसी वाली बस। ये वाली जा रही है बस सरायपाली सारंगढ़ रायगढ़ जसपुर। ये देखिए राम रथ कंडक्टर हो क्या? कंडक्टर हो। तो कितने बजे छूटती है आपकी बस? हमारी बस यहाँ से 7:20 में खुलती है। 7:20 में छूटती है सुबह सुबह एकदम? नहीं, शाम को। अच्छा, एजेंसी का नाम क्या है? गुप्ता। बढ़िया। कहाँ कहाँ तक जाती है बस आपकी? बगीचा अंबिकापुर रघुनाथपुर जसपुर रांची। अच्छा, तो मतलब कि नए बस स्टेशन में यात्री आपको बराबर मिल रहे हैं अभी? नहीं, उतना नहीं मिला अभी, मतलब कि रनिंग नहीं पकड़ा है। चार सीट पाँच सीट दिखा के चलो भैया। अच्छा, एसी स्लीपर बस है क्या भैया? भैया जी हमें अपना बस दिखा रहे हैं। ये देखिए स्लीपर वाली बस है, मस्त, ठीक है, सोते हुए जा सकते हैं आप ऊपर में। सीटिंग है, सीटिंग भी है, बढ़िया साफ सुथरा है, सारी फैसिलिटीज है। और सीट को देखिए, पूछ भी कर सकते हैं पीछे आप, ये लोअर है, और इसको बेड भी बना सकते हैं आप। ये नीचे का लाइट नहीं चलता भैया? तो भैया जी हमें अपना बस दिखा रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए 2x2 स्लीपर है, 2x2 स्लीपर बस है इनकी, एसी स्लीपर लोअर कोच, और 3 स्लीपर
ये वाली जो है वो 3 स्लीपर लोअर कोच है, काफ़ी बढ़िया बस है इनकी, हर एक यात्री के लिए काफ़ी बराबर सुविधा का ध्यान रखा गया है। यहाँ से छुट्टी है 7:20 पे, बगीचा सुबह 6 पहुँचती है। गाड़ी का नाम गुप्ता ट्रेवल की गाड़ी जो कि शाम को 7:20 को छुटती है, और ये रही गाड़ी नंबर। बगीचा जसपुर जाना है तो आप यहाँ पे अंबिकापुर रांची, तो यहाँ पे आप शाम को जल्दी से 7:00 पहले पहुँच जाइए। 7:30 20 लोअर 20 स्लीपर और 17 सीट 12 लोअर। थैंक यू। और नहीं भैया बढ़िया। और ये धमतरी जाने वाली बस, मैं अभी आप लोगों को छोटी बस भी दिखाऊंगा। और सरायपाली सारंगढ़ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमेशा अनाउंसमेंट होती रहती है कि कौन सी बस कितने टाइम निकलेगी। तो देखिए राजीव वाली बस अभी छूटने वाली है, अब ये जो पीली बस आपको दिखाई दे रही है सर राजीव जाने वाली, अभी छूटने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है। और एक ये देखिए रायपुर दुर्ग जाने वाली बस, रायपुर कालीबाड़ी घड़ी चौक बस स्टैंड है, ये 2x2 AC है। सिंगा नानगढ़ जाने वाली बस है, ये जो पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रही है, सिंगा नानगढ़ वाली बस इधर लगी है स्टेशन नंबर 27 में, और 26 नंबर में भी लगी है सालेवारा रोड के लिए। और ये शिवानी रायपुर धमदा गंडई लेकर जाएगी, और मलाजखंड बहेर उकवा जो कि स्टेशन नंबर 25 में खड़ी है, ठीक है। और मंडला धमदा और गंडई मोहगांव जाना है तो ये खड़ी है, इसको प्लेटफॉर्म नंबर बोलते हैं ना, 24 नंबर। हाँ मतलब इसको प्लेटफॉर्म नंबर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 24 में खड़ी रहती है। कितने बजे छूटती है भी आपकी बस? 5:30 सुबह को 5:30। और कहाँ यहाँ कब तक आती है? यहाँ पर 3 बजे दिन के 3 बजे। अच्छा चलो, दो गाड़ियाँ चलती हैं। थैंक यू भैया। तो देख रहे हो आप यहाँ पे बस जो है, आपको टाइम भी बता रहा हूँ मैं बराबर कि आपको अगर कहीं जाना है तो आप कौन सा टाइम लेके आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे रायपुर अभनपुर और राजिम गरियाबंद जाने वाली बस है जो प्लेटफॉर्म नंबर 22 पे खड़ी होती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी बसें जो है अभी लगातार आ रही है यहाँ पे, सिटी बस भी यहाँ पे लगातार आ रही है। और अगर आपको महासमुंद नारंग जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 20 में खड़ी है ये बस। ये पटना औरंगाबाद से बस आ रही है रायपुर में, अरंग नदी महासमुंद जाने वाली एक और बस है जैन ट्रेवल से, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 19 में खड़ी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म नंबर जानी है कौन सी बस के लिए। ये भिलाई दुर्ग राजनांदगांव के लिए सुपर फास्ट बस है ये, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 18 में खड़ी रहती है। तो अभी बस की धुलाई चल रही है, और ये जो जिस बस की धुलाई हो रही है वो राजनांदगांव और दुर्ग जाती है। और राउरकेला की बस वहाँ पर खड़ी है संबलपुर, अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, हो गया है, साफ उधर कंपनी से करके आए। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये अभी छूटेगी, कल परसों से छूटेगी, बैलाडीला जाती है ये बस, और ये जाती है कोरापुट जयपुर। तो दोस्तों ये स्टेशन का पीछे वाला भाग जिधर बस खड़ी होती है, और जस्ट उसके पीछे भाग में ही इधर खाने पीने की चीज़ें लगती हैं, मतलब कि यात्रियों को अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है तो उसी स्टेशन के पीछे तरफ से आना पड़ेगा। ये देखिए फल फूलने बाकी हैं, चाय की दुकानें, और आपको कोई फैंसी सामान लेना हो तो घड़ी चश्मा ये सब दुकानें, चुप की दुकान लगी इधर, यहाँ की लाइटिंग का कई सारी बसें अभी जो है निकल चुकी है। ये देखिए ये स्टेशन का पीछे वाला भाग इधर है, और इधर से राइट्स होते हुए जस्ट इसके पीछे दुकानें लगी हुई हैं खाने के लिए, मतलब जितनी भी फैंसी दुकान हो या फिर जूस की दुकान हो, नाश्ते की दुकान हो, ठेला ठप्पड़ जो भी हो, पानी पाउच बॉटल जूस सारी चीज़ें इस तरफ लगी हुई हैं। सामने जो बस दिख रही है चकाचक लाइटिंग वाइटिंग जिसमें दिख रही है ना, वो बस जा रही है कवर्धा जाएगी, क्योंकि हर एक बस अलग अलग जगह जाने वाली बसों के लिए अलग अलग स्टॉपेज दिया गया है। वो देखिए वहाँ पे जो पीली वाली जो बस खड़ी है वो जबलपुर कवर्धा मंडला बेमेतर वाली बस जो है वहाँ पे खड़ी होगी, और जगदलपुर बैलाडीला कोंटा बीजापुर की बस यहाँ पे खड़ी होगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। उसमें राजपुर वाली बस यहाँ पे खड़ी होगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, और ये औरंगाबाद हरिरंगगंज छतरपुर गढ़वा जाने वाली बस, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 में खड़ी है। ट्रेवल एजेंसियों की ऑफिस है, जो फर्स्ट वाली दिख रही है माँ शारदा टूर एंड ट्रेवल, दुबे ट्रेवल्स और रॉयल एंड
मेट्रो ट्रेवल्स की एजेंसियाँ जो है ऑफिस अभी खुल चुकी हैं महिंद्रा ट्रेवल्स हॉल में। भैया जी ट्रैवल की बुकिंग चालू हो गई है, तो अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मतलब कि यात्री अच्छे प्रॉपर आ रहे हैं अभी? जैसे आ ही रहे हैं लगभग लगभग, तो जैसे कि मैं क्या पूछ रहा था मतलब कि कहाँ कहाँ तक आपकी एजेंसी में जाती है बस? लगभग लगभग ऑल ओवर छत्तीसगढ़ इंटर स्टेट एमपी अदर स्टेट भी। ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं टिकट है ना? मंडी से आप कितना मतलब कि अच्छा मानते हो उस स्टेशन को? पूरा 100% अच्छा है, बढ़िया है। चलो भाई हमको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर, देख सकते हो यहाँ पे रात का सीन, लाइट वाइट सारी जल चुकी है। तो अभी मैं बस स्टेशन के अंदर हूँ ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जाने बाकी का काम तो अभी चल ही रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ यात्री लोग हैं यहाँ पे अपने बस का वेट कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ अंदर का कैसा दिखता है अपना जाने बस स्टेशन और टिकट काउंटर कहाँ पर है, बस इंक्वायरी कहाँ से ले सकते हो देखते रहिए। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बढ़िया है, खासकर यात्रियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। क्या है जैसे अगर बस नहीं है तो बाहर बैठने के बजाय अंदर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे और काफ़ी साफ़ सफाई से रखा गया है, साफ करके काकेर रोडवेज का यहाँ पे ऑफिस है। ये है महावीर जगदलपुर गीदम दंतेवाड़ा बैनाडीला इलाहाबाद के लिए गुप्ता ट्रैवल्स का ऑफिस है। इंक्वायरी मतलब बसों के बारे में पूछने के लिए बनाया गया ना इसे? जी सर। आप लोग इसीलिए बैठे हो? हाँ, इंक्वायरी देने के लिए मतलब कि कौन सी बस कितने टाइम आएगी ऐसा टाइप का? ये आपकी लोग का एजेंसी है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे अपने ट्रैवल के बारे में? इसमें अपन दोनों बैठते हैं। अच्छा। दंतेवाड़ा जगदलपुर बैलाडीला सफारी हमारी जाती है, मनीष पायल की गाड़ी है ना आप लोग? और एक ट्रैवल एजेंसी कहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है बराबर, ये बुकिंग काउंटर अगर टिकट बुकिंग करना हो तो आपको मनीष। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुकिंग काउंटर है, यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख के बनाया गया ताकि अगर यात्री भारी संख्या में तो ऊपर जाने की अनुमति अभी नहीं है, भैया लोग मना कर रहे हैं। क्या है वहाँ का काम चल रहा होगा जिससे क्या है कर्मचारी को डिस्टर्बेंस होगी इसलिए जाने से मना कर रहे हैं। तो भाई मैं अभी जा रहा था फर्स्ट फ्लोर में लेकिन वहाँ मेरे को ऊपर जाने से मना कर दिया, वहाँ का अभी कुछ काम जो है चल रहा है। बाकी आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है अपना जो यात्री का जो बस स्टेशन है काफ़ी बेहतरीन है ना, लाइटिंग की प्रॉपर सुविधा यहाँ पे रखी है यात्रियों। और ये देखिए रायपुर बस स्टेशन का व्यू, नाइट का व्यू, श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री ध्वजाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है ये रायपुर में। और ये अभी अब जाने का टाइम आ गया है, ठीक है इक्की गाड़ी निकालेगा फिर सीधे निकलेंगे घर के लिए। हम लोग निकल रहे हैं अभी अब घर के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल में आपको हिंदी और सीजी दोनों में ब्लॉग देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अगर खासकर छत्तीसगढ़ की और रायपुर की हिंदी और ब्लॉग अगर देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम बूढ़ा तालाब से होते हुए जाएंगे सिटी से होते हुए तेलंगानी नाका चौक।